बिग बॉस 16 के मेकर्स को सोशल मीडिया यूजर्स साजिद खान को सपोर्ट करने के लिए जमकर ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने साजिद खान को बिग बॉस का दामाद का टैग भी दे दिया है। छोटे पर्दे का सबसे विवादित रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस 16 इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। सलमान खान के शो में हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिल ही रहा है, जहां कंटेस्टेंट एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वही कुछ सदस्य एक दूसरे पर प्यार बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालिया एपिसोड में बिग बॉस समेत घर के ज्यादातर सदस्यों ने अब्दुल रोजी की जमकर तारीफ की है। अर्चना गौतम को छोड़ सभी लोगों ने उन्हें अब तक का बेस्ट कैप्टन बताया है। वहीं इस एपिसोड में घर में जमकर बवाल भी हुआ है। साजिद खान और गौरी नागौरी एक बार फिर से एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए हैं। इस दौरान साजिद खान ने गौरी को लेकर एक ऐसी बात कह दी कि घर का पूरा माहौल गर्म ही हो गया है। दरअसल सौंदर्य शर्मा और साजिद खान गौरी नागौरी के बारे में बात कर रहे थे, तभी गौरी ने साजिद को कहा, उस दिन आपने मुझे राशन चोर बोला था तो मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी थी, मैंने एमसी स्टैन से पूछकर ही राशन दिया था। इसी बात पर साजिद खान बुरी तरह भड़क गए और गौरी पर चिल्लाने लगे। इसी बीच साजिद खान ने गौरी को फटकारते हुए कहा, तुम होगे राजस्थान की डांसर। मैं साजिद खान का ये अंदाज देख अर्चना गौतम का पारा हाई हो गया। उन्होंने गौरी का समर्थन करते हुए साजिद खान की जमकर क्लास लगा दी। इसके बाद बिग बॉस ने अर्चना को अकेले में बुलाया और उनसे पूरे मुद्दे के बारे में पूछा। अर्चना उन्होंने बताया कि मुझे पूरा मामला पता नहीं था, मुझे बस साजिद खान की ये लाइन अच्छी नहीं लगी कि तुम राजस्थान की डांसर, और इसी वजह से मैंने गौरी को सपोर्ट किया। सारी बातें सुनने के बाद बिग बॉस ने उल्टा अर्चना को ही बुरी तरह ट्रोल कर दिया। अब सोशल मीडिया पर यूजर्स बिग बॉस के मेकर्स को जमकर ट्रोल कर रहे हैं, जहां कई लोग साजिद खान को बिग बॉस का दामाद बता रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी यूजर्स हैं जो साजिद खान को शो से निकालने की मांग भी कर रहे हैं। बताते चले कि इस हफ्ते के लिए 3 सदस्यों पर नॉमिनेशन की गाज गिरी है, जिसमें गौरी नागौरे, प्रियंका चहर चौधरी और सुंबुल तौकीर खान का नाम शामिल है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस वीकेंड का बार कौन घर से बेघर होने वाला है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।